जो पहले स्थान ते रहन वाली रमनदीप कौर दा जिला सिक्ख्या अफसर सकैंडरी कपूरथला वल्लों किता सन्मान। सरकारी सीनियर सकैंडरी स्कूल धालीवाल बेट विखे स्कूल दी विद्यार्थन रमनदीप कौर सपुत्री सरदार बलकार सिंह जो कि एक राज मिस्त्री दा काम करते हैं 12वीं जवात विचों जिले भर चो पहला स्थान अते पंजाब विचों ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप विचों पंजवा स्थान हासिल करन ते स्कूल विखे एक सादा परंतु भावपूर्वक समागम करवाया गया, जिस विच जिला सिक्ख्या अफसर श्रीमती दलजीत कौर ने विशेष तौर पर शिरकत की। पिंड दे सरपंच सरदार युद्धवीर सिंह राणा जी ने स्कूल प्रिंसीपल श्रीमती महेंद्र कौर जी अते समूह स्टाफ वालों विशेष तौर पर पहुँचे। जिला सिक्ख्या अफसर श्रीमती दलजीत कौर उन्होंने नाल उगे सिक्ख्या शास्त्री अते होर पतवंते सज्जना का निघा स्वागत किया गया। उन्हां वल्लों मैरिट विचों आई विद्यार्थन रमनदीप कौर उसके माता पिता वासी पिंड पंडे बेट सरपंच पिंड पंडे बेट ते इलाका निवासियों वधाई दिंदे हुए बच्ची नूं नगद राशि इनाम वजो दिती गई। स्कूल प्रिंसीपल मैडम महेंद्र कौर जी ने स्कूल दियां विशेष प्राप्तियां ते चानना पाया। प्रिंसीपल साहिबा ने दस्या कि इस साल 12वीं जवात देश पंजाब विद्यार्थियों ने प्रीख्या दिती, जिन्हां विच्चों 21 विद्यार्थियों ने 90% तो वध अंक प्राप्त किते। गणित विषय के 14 विद्यार्थियों विच्चों 11 ने 100% अते 3 विद्यार्थियों ने 99% अंक हासिल किते। जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी श्रीमती दलजीत कौर ने सारे विद्यार्थियों मेहनत लगन अते दृढ़ इरादे नाल पढ़न लई प्रेरित किता। उन्हां वल्लों टॉपर विद्यार्थन नूं सन्मान चिन्ह अते नगद राशि इनाम वजो दित्ती अते समूह इलाके नूं वधाई दित्ती। इस मौके इंचार्ज जिला सिक्ख्या सुधार टीम श्रीमती रमा बिंद्रा, प्रिंसीपल श्रीमती रविंद्र कौर बलेर खानपुर, मनजीत सिंह प्रिंसीपल कांजली, श्रीमती पुनीत पुरी प्रिंसीपल नूरपुर लुभाणा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए विद्यार्थियों नू नगद इनाम दिंदे हुए जिंदगी विच होर तरक्की करन लई शुभकामनावां दित्तियां। इस मौके उचेचे तौर पर पहुँचे रिटायर्ड जिला सिक्ख्या अफसर गुरभजन सिंह लासानी ने बच्चों नू संबोधन करते हुए अपना आशीर्वाद दिता अते उन्हां दे उजले भविख की कामना की। नैशनल अवार्डी श्रवण सिंह ओजला ने स्टेज सकत्तर की भूमिका बखूबी निभाई। इस समागम विच समाज सेवा रजिंदर सिंह पिंका चौधरी, दलजिंदर सिंह, सतनाम सिंह स्कूल का समूह स्टाफ जिन्हां विच श्री पंकज कुमार माही, जसबीर कौर, हरिंदरपाल कौर, रविंदर कौर, मनप्रीत सिंह, हिना जुलका, सपना सैनी, वरिंदर सिंह, सरबजीत सिंह, नताशा, अमरजीत सिंह पुल्लर, सुखविंदर सिंह, सिमरनप्रीत सिंह, मंजू बाला, सरबजीत सिंह अते श्रीमती निधि हाजर सन। कपूरथला तो केटीवी पंजाब लई जोगिंदर सिंह जाति के जी की विशेष रिपोर्ट। खुशी का मौका कि आज तुहाडे सीनियर सैकेंडरी स्कूल धालीवाल बेट दे कैंपस दे विच साडे मानयोग सिक्ख्या अधिकारी श्रीमती दलजीत कौर अपनी पूरी टीम के नाल इस संस्था के मुखी रह चार जिले के डीओ रह सरदार गुरभजन सिंह जी लसानी साहब, जिला सिक्ख्या सुधार कमेटी के इंचार्ज प्रिंसीपल रमा बिंद्रा जी, मैडम प्रदीप पुरी जी प्रिंसीपल सीनियर सैकेंडरी स्कूल नूरपुर लुबाणा। इस नगर के लंबे समय तो दहाकिया तो सेवा करते सरपंच सरदार चौधरी सिंह जी राणा, सरदार रविंदर सिंह जी जिन्हों सतकार पिंका चौधरी कहते, अज खुशी के मौके पर इस संस्था की विद्यार्थन रमनदीप कौर जिन्होंने इस संस्था का अपने मापिया का इस नगर का माण उचा किया है, माण वधाया, ताड़ियां मार के इस बाल उस संस्था के मुखी मैडम महेंद्र कौर उन्होंने उदम के पब्बा भार हुए मेरे
दोस्त सरदार मनजीत सिंह जी, प्रिंसिपल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कांजली, वो भी इस मुबारक मौके पर इन्होंने बच्चों जिते आशीर्वाद दे आए हैं उसे मैडम के नाल खुशी साझी करनी करना है। मैं इस गल का इलम उदों होया कि अध्यापक कदों खुश होंगे। मैं कई बार स्टेजा तो जिक्र किया कि अज भी मुनासिब करा कि मेरे एक अध्यापक मैं पंजाबी पढ़ाते रिटायर हो गए। रिटायरमेंट तो बाद मैं बस अड्डा कपूरथला विखे मिले तो उत्तर दिया मैं आवाज मार के कहते कि मैं उस साल नैशनल अवार्ड मिले। परिवार के परिवार का एक हिस्सा है धालीवाल पेड़ स्कूल। सो सरपंच साहब वालों धालीवाल पेड़ स्कूल तो मेरे मेरे सारे स्टाफ वालों मेरा नाल ही स्कूल पंडाल पेड़ के स्टाफ वालों मैं तह दिलों अज इस खुशी के मौके पर बच्ची इस परिवार की बच्ची लवप्रीत कौर जिसने कि 12वीं क्लास की सालाना प्रीख्या चो मैरिट पोजिशन ले जिले के विचों पहला स्थान लिया अते पूरे पंजाब के विचों ह्यूमैनिटी ग्रुप के विच पंजवा स्थान प्राप्त करके उसने बच्ची ने अपने माता पिता पिता सरदार बलकार सिंह जी माता जी मैडम बलविंदर कौर इस पिंड के सरपंच अते परदे पिंड के सरपंच साहब इस पिंड का नाम पूरे जिले का नाम जरा है वह रोशन किया है अकैडमी के। सो बहुत ही बधाई के पात्र हाँ असं सारे ते इस दे नाल ही साडे सारे परिवार वालों परिवार के मुखी वालों आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने जिले के मान साडे जिला सिक्ख्या अफसर मैडम दलजीत कौर जी का तह दिलों धन्यवाद करती हाँ ते नाल ही उन्होंने जी आया आखती हाँ कि बहुत रुझेवे ने उन्होंने बड़ी मुश्किल उन्होंने समा कढ़िया लेकिन कल मैं बहुत अच्छा लग्या जदों उन्होंने कहा कि मैं भी बच्ची नूं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं सोच नहीं सकती कि मैं किस तरह पब्बा पार होई कि किन्ना कि मैं चा चढ़िया कि मेरे जिले के मालक जड़े ने वो मेरे वेड़े दे विच इस पिंड दे विच इस बच्ची नूं आशीर्वाद दे नाल उन्होंने नाल ही समा कढ़िया। मैडम साडे जिला सिक्ख्या सुधार टीम मैडम रमा बिंद्रा जी जिला सिक्ख्या सुधार टीम के इंचार्ज और प्रिंसीपल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल भवानीपुर उन्होंने नाल ही मेरिया भैन बलेर खानपुर स्कूल तो मैडम रविंदर कौर जी प्रिंसीपल एंड नूरपुर लुबाना मैडम पुनीतपुरी जी और सब तो वड्डी मेरे लिए माण की गल उदों हुई कि हजे मैं फोन कर रही सी मेरी फोन की वारी नहीं सी आई उस तो पहला मेरे वीर का मैनू फोन आ गया। मैं गल कर रही हाँ सरदार मनजीत सिंह जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कांजली तो कि मैडम मैं कल तुहाडे कोल 9 बजे पहुँच रहा ये होंगे अपने भरावान के एक माण। सो बहुत तय दिलों मैं धन्यवादी हाँ और इन्हों का बहुत बहुत वेलकम करती हाँ। उसके नाल ही इस स्कूल के जिस तरह कि सरदार सरबत सिंह जी नैशनल अवार्डी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके हर पक्ष से चानन पाया कि सरदार गुरभजन सिंह जी लासानी अहदे वजो रिटायर्ड डीओ लेकिन साढ़े वे वीर साढ़े राह बसेरे इस स्कूल के बूटा लाने वाले मालक जिन्होंने कुछ सपने संजोए से इस स्कूल के लिए और असी सारे रल मिल के कोशिश कर रहे हैं। ये कवितावान लिखते सी कि माली नूं रैफर करते कि इस बूटियां नूं पानी लाते रहो लेकिन सब तो वड्डा बूटा सी इन्हां दा तुसी बच्चे बचियो जिहड़ा बच्चों का इस स्कूल के लाया और साडी एक कोशिश है कि असी हमेशा ही इस बूटे नूं पानी दिंदिया होया असी इस पौधे नूं फलदा फुलदा देखिए और सारे सपने साकार होण हमेशा। सो मैं लसानी सर का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ धन्यवाद करती हाँ कि वह इस अपने स्कूल च आने हमेशा ही सानू सेहत देने दे हमेशा तत्पर ने जो असं अद्धे मूं भी सुनेहा दें तो सर आके साडे विच हाजिर होंगे ने और सानू मोटीवेट करते हैं। सो इस नाल ही मैं बाकी जिन्हें भी मेरे को रिटायर्ड साडे लैक्चरर ने सरदार दजिंदर सिंह जी ने मेरे जो ट्रांसफर हुए टीचर्स इतने आए ने सारे का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। इन्होंने नाल ही साडे पिंड तो टैक्नीकली बहुत ही इंटैलीजेंट ब्रेन सरदार सतनाम सिंह जी ने जेडे कि इस स्कूल के नाल हमेशा ही जुड़े हुए ने शुरू तो जिथे जिथे भी सानू टैक्नीकल सपोर्ट की लोड़ होंगी बच्चों गाइडलाइनस की लोड़ होंगी है सतनाम सिंह जी हमेशा हाजिर होंगे ने। सो उन्हों का भी मैं तह दिलों स्वागत करती हाँ।
इस दे नाल ही मैं अपने सारे स्कूल दी टीम इन्हां सारयां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ जिन्हां दी मेहनत सदका यह स्कूल जिहड़ा है सारे इलाके दे विच इक नाम ना कर रहा है। सो सारयां दा एक बार बहुत बहुत धन्नवाद करते हुआ मैं चाहांगी कि एक बार 2022-23 दे विच स्कूल दीआं प्राप्तियां उहदे ते थोड़ा जिहा चानणा मैं अपने भैण भरावां दी प्रेजेंस विच बच्चों की मोटीवेशन लई जरूर पाया जाए। तो जेकर इस साल क्लास प्लस टू के नतीजे की गल करिए इस लवप्रीत बच्ची जिसने की 97 रमनदीप कौर वड्डे वेट तो बच्ची है इसने 97.8% नंबर लैके जिहड़ी जिले के पहला स्थान हासिल किया उसके नाल ही मैडम जेकर 56 बच्चे टोटल सन प्लस टू ने उहदे विचों 20 स्टूडेंट्स इस बच्ची नाल इनक्लूडिंग 21 स्टूडेंट्स ने 90% प्लस नंबर लए। जेकर असीं सब्जेक्ट वाइज गल करिए तां मैथ सब्जेक्ट की जेकर गल करिए टोटल बच्चे मेरे 14 अपीयर होए मैडम उहदे विचों 11 बच्चों ने 100% मार्क्स लए मैथ विच और 3 बच्चे ने जिन्हां ने 99% नंबर लए। 14 बच्चे जिन्हें जो 11 बच्चों ने 100% नंबर लए और 3 बच्चों ने 99% नंबर लए और इहदा सिहरा बजदा है श्री पंकज कुमार माही जी प्लीज सर जदों तो मैडम 2018 तो ये लैक्चर साहब मेरे स्कूल च आए ने उदों तो इहदा रिकॉर्ड है कि 100% रिजल्ट तां देना ही है लेकिन 80% तो थले कभी भी किसी बच्चे ने नंबर ले नहीं एवरी ईयर रिकॉर्ड है। तो ये मेरी प्राप्ति है। जे असी विषय की गल करिए पोलिटिकल साइंस तो मेरे को लैक्चरर कोई नहीं मैं उन्हें दस के हटे कि 3 साल तो रिटायर हो चुके और मेरे स्कूल के जो अध्यापक ने नॉन सब्जेक्ट ने वह तो सारा साल मेहनत करते हैं लेकिन सरदार दलजिंदर सिंह जी जदों जदों सानूं लोड़ हुंदी है असीं बुलाने हैं बच्चों नूं स्पैशल इन्होंने क्लासिज आके लेंदे ने और इस पोल साइंस के विषय चो जड़े ने 43 बच्चे ने जिन्हों के अबव 90% नंबर है आउट ऑफ 43 के अबव 90% ने और अप टू 90% 9 बच्चों के नंबर ने और इस विषय चो हाईएस्ट नंबर के बच्चे ने ले और 97 ने आउट ऑफ 100। जेकर गल करिए जनरल इंग्लिश की तो मैडम जसबीर कौर जी जेडे कि रणधीर स्कूल तो प्रमोट होकर इस साल आए बहुत मेहनत की इन्होंने इस विषय विचों भी 10 बच्चे ने जिन्हें 90% तो उपर नंबर आए 90% ने और हाईएस्ट नंबर इस विषय चो 98 ने और 15 बच्चे ने जिन्हें 80-90% मार्क्स आए। इस तरह जनरल पंजाबी विचों 37 बच्चों के अबव 90% मार्क्स आए हिस्ट्री विचों 12 बच्चों के अबव 90% मार्क्स आए और इस तरह साडे कोल NSPF के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स दे विच और इस तो इलावा मैडम 2019-20 सैशन दे विच भी इस स्कूल की बच्ची लवप्रीत कौर सी जिसने उदों भी साडे 438-97.3 मार्क्स लैके उदों भी मैरिट विच पोजीशन लई सी। सो ये प्लस टू का नतीजा सी। जे इस साल की मैं गल करा कि 8वीं क्लास का नतीजा जो कि डिकलेयर हो चुका तो उहदे विच भी साडे कोल हाईएस्ट जिहड़े फर्स्ट बच्चे ने नंबर लए है वह 95% है वह है सिमरथा बच्ची बच्ची है इतनी मैडम सिमरथा बच्ची प्रेजेंट है ओके सो इस बच्ची ने 95% इसके नाल ही जो बच्ची सैकेंड पोजिशन लई है वह है बच्चा अमित कौर लड़की है अमित कौर ने 94.17 और ये बच्ची जी है स्कूल ऑफ एमिनेंस भी मैडम क्वालीफाई किया इस बच्ची ने उठे चली गई है बच्चे एडमिशन ने उठे ले ली। जड़ी बच्ची ने थर्ड पोजीशन लई है वो है सुमनदीप कौर ने मैडम SOE ने स्कूल ऑफ एमिनेंस से भी सिलेक्ट हुई है ये भी उठे बच्ची जा चुकी है। इस दे नाल ही बच्ची है किरणदीप कौर इस बच्ची ने 8वीं जो नंबर 92.17 लए और स्कूल ऑफ एमिनेंस से भी क्वालीफाई किया और
और चार बच्चे साढ़े स्कूल ऑफ एमिनेंस ले क्वालीफाई किए। जे असी अकैडमिक रिजल्ट्स तो इलावा 2022-23 दे विच बच्चों दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दे विच प्राप्तियां की गल करिए, जो कि स्कूल दे विच एक इंग्लिश बूस्टर क्लब जो कि चल रही है अपनी, उहदे विच साडी बच्ची है राजवीर कौर, जिहड़ी कि साल दे विच 5 बार स्टार ऑफ द डे ऑफ डिस्ट्रिक्ट लैवल से स्टार ऑफ द डे बच्ची ने 5 बार सर्टिफिकेट लिया। किरण बच्ची है, किरण इस बच्ची ने 3 बार जिहड़ा है डिस्ट्रिक्ट लैवल से स्टार ऑफ द डे बच्ची ने एप्लीकेशन दी। मुस्कान कुमारी इस बच्ची ने 4 बार स्टार ऑफ द डे या डिस्ट्रिक्ट लैवल, और पायल बच्ची ने 2 बार सर्टिफिकेट लिया डिस्ट्रिक्ट लैवल। इस बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट लैवल से मैडम 3rd पोजिशन ली, और ब्लॉक लेवल पे जैस्मीन है, जैस्मीन को शाबाश, हाँ जैस्मीन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3rd पोजीशन, और ब्लॉक लेवल पे गुरलीन कौर ने भी 9th to 10th बच्ची ने ब्लॉक लेवल पे 2nd पोजीशन ली। इसी तरह ही पोएम रेसिटेशन कंपटीशन हुआ सेकेंडरी लेवल का, तो ब्लॉक लेवल पे सिमरनजीत कौर ने 1st पोजीशन ली, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस बच्ची ने 3rd पोजीशन ली पोएम रेसिटेशन। इसी तरह ही डेक्लामेशन कंटेस्ट हुआ, उसके विच भी सिमरनजीत कौर ने ब्लॉक लेवल से 1st पोजीशन लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से इस बच्ची ने 3rd पोजीशन हासिल की थी। और डेक्लामेशन कंटेस्ट जो है ब्लॉक लेवल से 10th क्लास में हरप्रीत ने भी 3rd पोजीशन ले, हरप्रीत कौर, और साइंस एग्जीबिशन च भी हिस्सा लिया स्कूल वालों, तहसील पद्धर से मिडल सैक्शन के विच पहला स्थान लिया, और 9th एंड 10th दे विच ब्लॉक विच 3rd पोजीशन हासिल की थी। कला उत्सव का जिहड़ा तहसील पद्धरी फंक्शन होया सर दे स्कूल च होया सी, उत्थे भी जसलीन कौर 10th क्लास दे विच इस बच्ची ने सोलो डांस च पार्टिसिपेट किया, और उत्थे ने 3rd पोजीशन अवेल। इसे तरह ही आनंद कॉलेज दे विच टैलेंट हंट कंपटीशन होया, उस दे विच साडे स्कूल दा साइंस प्रोजेक्ट लिजाया गया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट चो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल दा कंपटीशन सी, उहदे विच बच्चे दा साडा मॉडल जिहड़ा सी ओह 1st पोजीशन लिया। और इसे तरह ही उस इवेंट दे विच ग्रुप डांस दे विच पार्टिसिपेट किया, उहदे विच भी पूरे डिस्ट्रिक्ट चो 1st पोजीशन स्कूल लिजाया, एंड मेहंदी कंपटीशन भी बच्चों ने हिस्सा लिया, उहदे विच भी 2nd पोजीशन डिस्ट्रिक्ट चो आई, एंड रंगोली कंपटीशन दे विचों भी 2nd पोजीशन बच्चों ने अवेल करी। सो इन्हां जिहड़ा है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो इलावा जे असीं खेड की गल करिए, क्योंकि साउंड माइंड ऑलवेज रेस्ट इन द साउंड बॉडी, तो बच्चों ने खेडां दे विच भी बहुत मल्लां मारियां। जे मैं थोड़ी जी इस ते चानना पावां तो जिला पद्धरी जिहड़े खेड मुकाबले होए, अंडर 14 गर्ल्स दी खो खो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल 1st पोजीशन, अंडर 19 गर्ल्स दी टग ऑफ वार दे विच 1st पोजीशन है, अंडर 14 बॉयज दी वॉलीबॉल दे विच 1st पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंडर 19 बॉयज वॉलीबॉल 1st पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंडर 17 बॉयज वॉलीबॉल 2nd पोजीशन, एंड अंडर 14 बॉयज टग ऑफ वार 2nd पोजीशन। इसे तरह बच्चों ने जिन्होंने जिले दे विच 1st पोजीशन ले स्टेट पद्धर ते स्कूल दी खो खो दिल अते लड़कियां दी कबड्डी, इन्हां बच्चों ने स्टेट पद्धर दे मुकाबलियां विच भी हिस्सा लिया। जे एथलेटिक्स दी गल करिए तां जिला पद्धरी मुकाबलियां विच जसनूर सिंह इवेंट है 100 मीटर 200 मीटर एंड रिले रेस, तिन्नां दे विच बच्चे ने पहला स्थान हासिल किया जसनूर सिंह, करणजीत सिंह शॉट पुट दे विच 2nd पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट, दलजीत सिंह हाई जंप दे विच 1st पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट, हंसप्रीत कौर 100 मीटर रेस पहली पोजीशन एंड 200 मीटर रेस दे विच 2nd पोजीशन, अमनदीप कौर शॉट पुट दे विच 1st पोजीशन, भवलीन कौर लॉन्ग जंप दे विच 2nd पोजीशन ली, और कबड्डी सर्कल स्टाइल दे विच दलजीत सिंह एंड इस अंडर 19 दे विच स्टेट पद्धर ते इस बच्चे ने हिस्सा लिया, और टीम ने 2nd पोजीशन जिहड़ी है ओह अवेल कीती। इसे तरह करमदीप सिंह ने अंडर 17 दे विच हिस्सा लिया स्टेट पद्धर ते, और दूजा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ये सन कुछ प्राप्तियां जिहड़ियां कि स्कूल दे बच्चों ने योग अध्यापकों की योग अगवाई दे विच, और स्कूल पूरे पिंड की कम्युनिटी सरपंच साहब पूरी कम्युनिटी की कोऑपरेशन दे नाल जो स्कूल दियां प्राप्तियां। सो इन्हां ही शब्दों के नाल एक बार फिर तो अज इस स्कूल दे वेले च आए सारे ही मेरे भैन भरा और पतवंते सज्जनां दा मैं सरपंच साहब वालों अपने स्कूल दी सारी टीम वालों
ते मेरे वालों मैं तय दिलों फिर तो स्वागत करती हूँ ते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मैडम जिला सिक्ख्या अफसर मैडम रजीत कौर उन्होंने नाल सिक्ख्या सुधार कमेटी के इंचार्ज मैडम परमविंदरा जी इस स्कूल के प्रिंसीपल मैडम महेंद्र कौर और इस नगर के दोहे दवान और इस स्कूल बनाने अहम भूमिका निभाने वाले बड़ा योगदान पाने वाले इस पिंड के इस नगर के सरपंच साहब जगवीर सिंह जी राणा उन्होंने नाल भाजी साढ़े पिंकर चौधरी जी मैडम प्रीतपुरी प्रिंसीपल नूरपुर बाणा और मैडम रविंदर जी बुरेल खानपुर तो मेरे कलीग रहे दविंदर सिंह जी लैक्चरर सारे स्टाफ मैंबर और मेरा छोटा भरा पहला बच्चा सी स्टूडेंट सी हूँ भरा है दोस्त है जो ये बोलता है तो मन खुश हों भी सोचीदा यही बोली जाए आप सुनते हैं जो बच्चे बोलते हैं तो मापियां को खुशी होती है इस तरह जो स्टूडेंट बोलते हैं तो अध्यापक को खुशी होती है। मैंने याद है अभी भी 89 के धालीवाल पिंड जो ये स्कूल हाई स्कूल होंगे पिंड जो मैथ मास्टर के तौर पर मैं ज्वाइन किया और उस स्कूल अलमारियों के उत्ते एक हारमोनीयम पिया बिल्कुल कचरा जहाँ चिड़िया ने आगे पाए थे वो मैं शौक से थोड़ा जहा कल्चर लैक्चर भी का साफ किया तो मैं एक बुक लिया सत सुर वाली जलंधर को खरीद के तो मैं सत सुर सीखिया तो फिर आ सतनाम अपना ये मेरा स्टूडेंट ही है एक मैं सत सुर सिखाइया मैं सत सुर ही सीखिया ये म्यूजिशियन बन गया तो बड़ी खुशी होती है जो अलग अलग खेतर के मल्ला मारते हैं। इस तो वही गल कि जिस हॉल के बैठे हो जिसकी याद के हॉल उसारिया गया है डिप्टी शरद संदीप धालीवाल मेरा बच्चा मेरे याद है कि जो मैं इतने मैथ मास्टर से मैं इतने सरदार तारा सिंह उन्होंने जो दुआरे से उत्थे रहता संदीप इन्हू छोटा नाम का बीपी बीपी संदीप सतनाम सरभजन दुकान वाले का इस स्कूल टाइम तो बाद मेरे को आके पढ़ते और संदीप भी मेरे को पढ़े चार साल तो इस गल का माण है कि उसने अमेरिका के जाके अमेरिकन गौरमेंट के नाल सात साल लड़ाई लड़ी और पहला सिख सरदार से जरा पगड़ी धारी पुलिस ऑफिसर बने और मेरे इस गल का माण है कि उन्हें जी पहली फोटो कराई थी वो मेरी पग धार के अपने सिर से पहली फोटो कराई नैट से भी है जिस तरह मैं घर जाके अपनी पग धार दिता सी तो कहना भी अब मैं तुम्हारी पग धार के फोटो करवानी है तो मैं क्या भी पग का नाम भी ऊंचा कर दूँ तो उसने नाम ऊंचा किया कुस्टन के डाकखाना जोड़ा है डिप्टी शेरफ संदीप धालीवाल के नाम से है और उस रोड का नाम भी अमेरिकन गौरमेंट ने उसके नाम पर रखे एक एक प्रिंसीपल का मैं नाल बना के दसिया भी मैडम असं सारे नाल
और देखियो तुम भी थोड़ी अगुवाई देने असं और बहुत काम करा और मैं बहुत खुशी और बहुत माण महसूस हो रहा है कि इन सारिया चीजों सारे प्रिंसीपल जो साढ़े कानून ने और खास करके मैं जो अब स्टेज पर बैठे हुए हैं जो मैं उन्होंने जिक्र करा तो उन्होंने मैं गाले बुकाए बहुत मदद की। जो भी जो कोई काम आता है तो मैं इन्होंने काम जरा सपोर्ट कर दिनी हाँ भी तुम काम करना और बाद यकीन मानो कि मैं मुश्किल भी बड़ी होंगी है जो कि कोई ग्रांट आई होंगी तो मैं ग्रांट कि शिफ्ट कर जो एक स्कूल ग्रांट शिफ्ट कर दी तो मैं लगता हूँ दूसरे ने मिला तो कभी मुश्किल भी आँदी है क्योंकि मेरी मेरे इन सारे बहुत नेड़ता है बहुत अपनाता है और जो मैं गल कर अपने छोटे भी सरवण सिंह उन्होंने नैशनल अवार्डी ने बहुत गुणी ने बहुत ज्ञानी ने बहुत मानदान देंगे ने मैं लगता है कि वाकई उन्होंने वाली गल कि जे असी इस सोसाइटी के रह के अपने रिश्ते बनाए जाइए रिश्ते कमा जाइए तो मैं लगता है बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तो पता नहीं क्यों एक भावनात्मक जी सामाजिक रिश्ता जो है एक भैन भरा वाला बन गया है और आप कोशिश करेंगे सरवण सिंह जी जी रिश्ता जो है जिनी सू परमात्मा ने उम्र बख्शी है असं ये निभा रहिए तो निभा रहे इस पिंड के सरपंच साहब मैं उन्होंने पहला भी कहा कि बहुत माण महसूस करीदा है जो संस्थाव खास करके सरकारी संस्थावान के नाल पिंड वासी जोड़े ने जुड़े हुए हैं तो प्रिंसीपल को बहुत मोरल सपोर्ट मिली है जो उन्होंने पता होंगे कि मेरे नाल है मेरे पिंड के जो लोग ने मेरिया धिर ने मेरे नाल ने मेरिया बाह ने और साड़ी जो भी जरूरत होगी साड़ी वो मदद करके तैयार होंगे। इस स्कूल के सारे टीचर साहबान बड़े पिंड तो भी सरपंच साहब आए हुए हैं और खास करके जो मैं गल करा तो सरदार सतनाम सिंह जी जिमें पहला गल की गई है भी कुछ रूह योजना होंगे ने जड़िया चार पास अपनी खुशबू जड़िया खिलार दिया वंटदिया ने अपनी खुशबू इस तरह सतनाम सिंह उन्होंने शख्सियत योजी है कि इन्होंने जोड़ा काम का रिवलवेट किया होना असं इन्होंने पता कर देना और असं झट इन्हों फोन घुमा कि सारी ये खीरा वाले स्कूल के भी ये काम तुम कर और बहुत अच्छिया सेवावान जड़िया सू देते रहे हैं टैक्निकल बहुत एक्सपर्ट ने और बड़े ही हंबल और जेंटल सन। इस तो अलावा साढ़े न मैं देखो गल करती हूँ हाँ जो स्कूल मुखिया के क्वालिटी हो जो टीचर रिटायर्ड होंगे ने वो भी उस संस्था के नाम जुड़े रहते हैं जो मैं पता लग गया भी रिटायर्ड टीचर इस स्कूल के सेवावान दे रहे हैं पोलिटिकल साइंस दिया तो बहुत मन खुश हो सर थोड़ा भी मेरे वालों बहुत बहुत सत्कार थोड़ा मान तुम इस संस्था बतौर टीचर जड़िया अपनी सेवावान दे रहे हो इस स्कूल के सारे टीचर साहबान प्यारे बच्चे बहुत जरा मैं अपने आप को ऑनर फील कर रही हाँ अब इस स्कूल के आके इस बच्चे को जो मैं सम्मान देनी सी तो बच्चे मैं अपना जरा बचपन है वो याद आ रहा है और मैं गल शेयर करनी चाहवागी कि इस तरह ही मेरे स्कूल के मेरा सम्मान होया अपना बचपन तो बच्चों तो मैं एक गल कहना चाहवागी कि मेहनत करो खूब मेहनत करो और अपने आप से विश्वास रखो तो बेटे तुम जरूर कामयाब हो अपने पेरेंट्स की अध्यापक की जी इज्जत करनी सीखो उन्होंने इज्जत करो वो थोड़े वेलविशर ने चिंता कर रहे मैं सवेरे कहा कि तुम मिठी जी डांट मैडम को मैं घुमा दी है स्कूल वालों घुमा मैडम नीतू जी
प्रिंसिपल सरदार मनजीत सिंह जी का जी सरपंच साहब आप जी आओ परिवार दिंका चौधरी जी तुम भी आ जाओ सरपंच साहब के नाल अगर आ जाओ Gracias.